तो आज हम दामोदर लीला पे चर्चा करेंगे और दामोदर लीला में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे किस तरह से भगवान ही भगवान के सबसे बड़ी भेंट है, भगवान ही भगवान के सबसे बड़े आशीर्वाद है। यह बहुत ही तभी हम सब दुनिया में अलग अलग चीजें चाहते हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं और उन सब की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। और जब इस तरह से प्रयास करते हैं तो कभी कभी हमें महसूस होता है कि हमारी शक्ति से, हमारी ही शक्ति से केवल हम हमारी इच्छाएं या हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं। और तभी हम हमसे बड़ा कोई है जो हम मदद कर सकता है क्या, उसके बारे में हम जांच करते हैं और तब हम भगवान के बारे में कुछ जान सकते हैं। तो अभी बहुत से लोग जो भगवान में उनकी रुचि होती है इसलिए होती है कि भगवान मुझे क्या दे सकते हैं, भगवान में कोई रुचि नहीं है, भगवान मुझे क्या दे सकते हैं वो रुचि होती है। इसका कई बार ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे कुछ खरीदते हैं और वहाँ पे जो चेक इन काउंटर पे कोई अटेंडेंट बैठा हुआ है और फिर वो आपका लिस्ट लेते हैं जो खरीदा हुआ है, आप कार्ड लेते हैं अपना और फिर वो आपको रिसीट देते हैं। तो जब ये चल रहा होता है तो कई क्या हुआ, जब आप अपना कार्ड देते हैं या आपने कुछ लिस्ट देते हैं और उसके बीच जब वो वापस करते हैं तो वहाँ पे जो व्यक्ति है वो बदल देते हैं मनोवैज्ञानिक, मतलब वहाँ पे एक एक जवान व्यक्ति बैठा होगा उसकी जगह पे थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आ जाएगा और लगभग 90% लोग देखते भी नहीं बदल गया व्यक्ति, क्योंकि क्या है उनको उस व्यक्ति से परवाह नहीं है, वो व्यक्ति मुझे जो चाहिए देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लिस्ट पर्ची देते हैं और फिर वो हमको हमारा बिल देते हैं, अगर जो अपेक्षा के अनुसार वह कार्य करते हैं तो फिर हम उसको ध्यान भी नहीं देते, अगर वो अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करते तो फिर शायद लोग ऐसे पर्ची दे भी रहे हो तो अपने फोन पे बात देख रहे हो, कुछ सोच रहे होगे और फिर वो अगर देते नहीं है कुछ समय लग जाता क्या होगा, फिर उसकी ओर देखते। तो उसी तरीके ये जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन, सिर्फ ट्रांजैक्शन करना है, मैं आपको ये देता हूँ आप मुझे ये दो। तो अधिकांश लोगों की जो भगवान से भी संबंध होता है वो इसी तरह पे, इसी स्तर पे होता है कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, कुछ व्रत करूंगा, कुछ सेवा करूंगा और तुम मुझे ये दो। और इस आदान प्रदान में भगवान कौन है इसमें कोई रुचि नहीं होती। और जब वो व्यक्ति जैसे हम चाहते हैं से शॉप में जैसे हम चाहते हैं वैसे अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो फिर अरे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हुआ ये, कौन है ये व्यक्ति, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान जब कृष्ण लीला में प्रकट होते हैं तो जैसे हम अपेक्षा करते हैं वैसे भगवान कार्य नहीं करते और तभी व्यक्ति को सोचना पड़ता है ये क्या है, कौन है ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो साधारणतया अधिकांश धर्मों में ऐसे भाव होता है कि भगवान परम पिता है और हम सब उनके संतान हैं, हम सब उनके सेवक हैं। तो ये साधारण संबंध है आत्मा का और भगवान का, हम सबका और भगवान का। पर इस लीला में हम देखते हैं कि यह संबंध बिल्कुल उल्टा हो गया कि भगवान एक पिता के रूप में कार्य नहीं कर रहे, भगवान एक बच्चा बन गए। ये कैसे संभव है, यह समझने का रहस्य जो है, यह समझने के लिए हमें तत्व ज्ञान पार्श्वभूमि के रूप में चाहिए। तो ये श्लोक है दामोदराष्टकम, उसमें हम आठ अष्टकम है तो आठ श्लोक आते हैं, उसमें ये भाव है। सबसे पहले हमको बताया जा रहा है कि आप में से कितने लोगों को पता है ये दामोदराष्टकम, किसी को पता है, सबको पता है तो उनको पता है, आप मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ हम ऑफर करने वाले लैंप आज कुछ बाद में यहीं पे या ऊपर यहीं पे, तो अगर शीट से हमारे पास तो फिर दे दीजिए, हम पढ़ सकते हैं चाहिए तो। तो ये पहला श्लोक है,
हम गाएंगे नहीं अभी, हम सिर्फ रिसाइट करेंगे, तो उसके पीछे आप मेरे भी पीछे कर सकते हैं। तो नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम, पहला शब्द जो है नमामीश्वरम, मैं प्रणाम करता हूं किसको, ये ईश्वर है। और कौन है ये ईश्वर? ये ईश्वर ऐसे है सच्चिदानंद रूपम, ये दिव्य है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यद्यपि ये बालक लग रहे हैं पर ये बालक नहीं है, ये परम ईश्वर है। तो कृपया आप मेरे पीछे, हम एक एक लाइन बोलेंगे, मैं उसका अर्थ बताऊंगा, आप मेरे पीछे वो लाइन दोहरा सकते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो यहाँ पे जो भगवान का रूप है वो कैसा है? दिव्य है, सच्चिदानंद है। हमारा जो शरीर होता है वो क्या है? असत अचित निरानंद होता है, और क्षण जो है शरीर जो है क्षण भंगुर है, और एक शरीर में कुछ इतना नहीं, आत्मा चल जाएगा तो शरीर निकम्मा हो जाता है, और शरीर इतने सारे दुखों का कारण होता है। तो भगवान का शरीर बिल्कुल विपरीत है। तो हम ये बाह्य दृष्टि से नहीं देखना है, जब वो याद दिला रहे भले ये छोटा सा बच्चा जैसे लग रहा है पर ये बच्चा नहीं है, यह वे कौन है? ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर है, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पर ये भगवान का, भगवान को समझना होता है तो दो चीजें समझनी होंगे, उनकी उनकी महिमा और उनकी मधुरता, गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स स्वीटनेस। तो ये भगवान की महिमा है, ये पहले दो दो लाइनों में ही बता के उसको खत्म कर दे लगभग, और ये पूर्ण श्लोक जो है वो भगवान की मधुरता के बारे में बता रहे हैं। तो यह परम पुरुषोत्तम भगवान है, पर या क्या क्या कर रहे हैं? लसत कुंडलम गोकुले राजमानम, तो वो उन्होंने कुंडल पहना हुआ है, ये कुंडल पहना हुआ है वो क्या है? लसत, वो बड़ा ही आकर्षक है। और ये आकर्षक क्यों है? क्योंकि भगवान दौड़ रहे हैं। जब हम कुछ पहनते हैं तो, और पहन के अगर दौड़ रहे होते तो वो चीज भी हमारे साथ दौड़ती है, तो वो हिलती है। तो ये जो हिल रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है जैसे वो हिल रहा है, लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, जो गोकुल धाम है, जो वे भगवान का धाम है। भगवान आध्यात्मिक जगत में वो उनके उनके सबसे प्रिय जो जानवर है वो कौन है? गाय है। तो अभी जो गाय है उनके साथ वो खेलते हैं, तो उनके जो नाम धाम है उनका नाम गोकुल, और गोकुले ब्राजमानम, तो गोकुल धाम में ये एक बड़े ही ज्वलंत रूप से प्रकट हुए हैं और गोकुल को चमका रहे हैं, गोकुले ब्राजमानम। तो अभी कोई भी छोटा सा बालक होता है तो बड़ा आकर्षक होता है, सब लोग जो होते हैं बच्चे से आकर्षित हो जाते हैं, पर कुछ बच्चे सब बच्चे सब बच्चे आकर्षक होते हैं एक तरह से, पर कुछ कुछ बच्चे बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो ये जो छोटा बालक है बहुत ही आकर्षक है। और फिर क्या क्या हो रहा है, ये भाग क्यों रहा है? यशोदा भी यो लोक लाधव मानम, तो वो यशोदा के भय में भाग रहा है। यशोदा भगवान की माँ है। अभी कोई पूछ सकता है भगवान की माँ कैसे हो सकती है? भगवान तो सबके माता पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये प्रसिद्ध प्रार्थना है, उसमें बताते हैं कि हे प्रभु आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भ्राता हो, आप ही मेरे बंधु मित्र हो, आप ही मेरी धन संपत्ति हो, आप ही मेरी विद्या हो, हे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हो। तो भगवान सबके माता पिता है, तो भगवान के माता पिता कैसे हो सकते हैं? तो यह है लीला। लीला मतलब भगवान एक तरह की नाट्य भय भूमिका करते हैं, एक नाटक रचाते हैं। पर जब नाटक बोलते हैं तो उसको क्या होता है, उसको उसे भाव होता है मिथ्या का, पर यह मिथ्या नहीं है, यह परम सत्य है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में सिर्फ अपना ऐश्वर्य दिखाकर मैं भगवान हूं तुम सब आके मेरे सामने प्रणाम करो, वो उसमें वो रुचि नहीं लेते। भगवान सब लोगों के न्यायाधीश बनने में कोई रुचि नहीं रखते, वो करना पड़ता है, हम करते हैं वो, पर भगवान का भी एक व्यक्तिगत जीवन होता है।
मेरा एक मित्र है, वो भी बड़े न्यायाधीश बने हैं भारत में, तो बता रहे थे मुझे कि अगर उनको भी न्याय के प्रति बहुत बड़ी रुचि है, उसे जोश है उनके, तो पर फिर भी कहते हैं कि मुझे जिंदगी भर सुबह से शाम बस इतना ही न्यायाधीश का काम करना पड़े फिर ये मैं तंग आ जाऊंगा। क्या न्यायाधीश की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, तो वैसे ही भगवान न्यायाधीश उनके लिए छोटी सी भूमिका है, भगवान का व्यक्तिगत जीवन होता है, और वो व्यक्तिगत जीवन गोकुल धाम में, गोकुल वृंदावन में, और वो जो वृंदावन है वहां पे भगवान अपना भगवत्व तो नहीं दिखाते, वहां पे भगवान क्या करते हैं, वो अपनी मधुरता दिखाते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा बहुत ही अमीर व्यक्ति भी होगा, इट्स ओके, आई डोंट नीड राइट नाउ, सो भगवान वहां पे कोई बड़ा अमीर व्यक्ति भी होगा, तो वो अमीर व्यक्ति मान लीजिए अपने मित्रों या अपने रिश्तेदारों के साथ है, तो फिर तभी वह शायद एक नाटक करता है, और नाटक में कहता वो एक भिखारी बन जाता है, और वो कहता है कि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, वास्तव में उसी दिन 3 बार खाया है। पर क्या है, वो एक नाटक है, और जब इस तरह से वैसे नाटक करते हैं तो फिर जितना अच्छी तरह से नाटक करते हैं सबको आनंद आता है, और नाटक का आनंद तभी आता है जब जो नृत्य करने वाले हैं, नृत्य देखने वाले, जो नाट्य करने वाले, नाट्य देखने वाले, वो सब उसमें लीन हो जाते, भाव उसके भाव वो अपना लेते हैं। तो भगवान भी जब लीला ऐसे क्यों करते हैं, वो एक छोटा सा बालक बन जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो सब प्रकार के संबंधों का रस आस्वादन करें, और वो हमें भी सब प्रकार के संबंधों का रस आस्वादन कराए। तो अभी हम सब के अलग अलग रिश्ते होते हैं, भी हम शायद माता पिता है, हम सब भाई बहन है, हम पति पत्नी है किसी के, हम किसी के बेटे बेटियां हैं, हम किसी के मित्र हैं, तो अभी हर एक रिश्ते में एक प्रकार का आनंद आता है, एक प्रकार का रस होता है, तो जैसे हम भी अलग अलग रस चाहते हैं, तो वैसे भगवान भी अलग अलग रस चाहते हैं, और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, वो अपने वो खुद अभी वो चाहते हैं कि वो एक माता का प्रेम अनुभव करें, और ऐसे भक्त भी होते हैं जो उन्हें अपने एक संतान के रूप में प्रेम करना चाहते हैं। यद्यधिया तुरुगा यविभावयंती तत्तद्वपो प्रणियसे सदनुग्रहाय, कि यद्यधिया जहां जहां जिस जिस तरह से भक्त भगवान को जिस रूप में पूजना चाहते हैं, भगवान उस प्रकार का रूप प्रकट करते हैं, यह भगवान की परम कृपा है। और इस तरह से भगवान क्या करते हैं, एक छोटे बालक का रूप लेते हैं, और उस बालक के रूप में वो लीला करते हैं। लीला मतलब ये एक नाटक है, पर नाटक मतलब ये मिथ्या नहीं है, ये परम सत्य है, क्योंकि परम सत्य क्या है, परम भगवान ये परम सत्य है, पर भगवान भी प्रेम चाहते हैं, और प्रेम के लिए जो भी जरूरी है वो भगवान करते हैं, और इस तरह से ये वृंदावन में लीला हो रही है। तो पाश्चात्य देशों से जब 18वीं-19वीं शताब्दी में भारत में लोग आए थे, पाश्चात्य लोग, तो उन्होंने वो वृंदावन मथुरा के इलाके में गए, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में गए, और कई जगह पे उनको दीवारों पे ये चित्र दिखे कि शिल्प दिखे, छोटा सा बालक है और उसका मुंह में कुछ सफेद लगा हुआ है और उसका हाथ एक मटके में है, और उन्हें पूछा ये क्या है, ये भगवान है। अभी पाश्चात्य धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में के धर्म भगवान की संकल्पना होती है कि बहुत ही गंभीर वृद्ध व्यक्ति, लंबी दाढ़ी और बादलों पे बैठे हुए हैं, और जो भी पाप करते हैं उन पे बिजली दहाड़ देते हैं और वो नरक में भेज देते हैं, ऐसी संकल्पना है। छोटा बालक, ये भगवान,
ये क्या कर रहे हैं? वे माखन चुरा रहे। भगवान चोरी कर रहे हैं। भगवान तो सब लोगों को सही मार्ग पे लाते हैं। अभी एक कमांडमेंट है बाइबल, दाउ शैल नॉट स्टील, आप दूसरों की संपत्ति छीनो मत। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, भगवान खुद चुरा रहे हैं। वो चुराना भी है तो सोना चांदी भी चुरा रहे, मक्खन चुरा रहे। मक्खन चुराने का क्या फायदा है? तो ये जो कृष्ण की संकल्पना है भगवान की, ये देखकर कई पाश्चात्य लोग थे, वो क्या हो गया, उनका दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया, इंटेलेक्चुअल शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या है ये कैसे भगवान है? दिस इज अ सबवर्सिव नोशन ऑफ डिविनिटी। ये ऐसे है, भगवान की संकल्पना है, ये बहुत ही अद्भुत है। शायद हम सबके संस्कृति में हम बचपन से सुन रहे हैं, इसीलिए हमें ये इतना अद्भुत नहीं लगता है। पर वास्तव में अगर सोचेंगे कि जो भगवान परम पुरुषोत्तम है, जो परम शक्तिशाली है, वह छोटे बालक क्यों बने हुए हैं? वे प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, और वे चोरी क्यों कर रहे हैं? वास्तव में सब कुछ संपत्ति भगवान की ही, सर्वलोक का महेश्वर। पर वो चोरी इसलिए करते हैं कि साधारणतः कैसे होता है, हर कार्य में जब विरोध होता है तो उसमें कुछ रोमांच आता है, कुछ एक्साइटमेंट आता है। कुछ मान लीजिए अभी क्रिकेट मैच चल रही है, अगर एक टीम बहुत ही अच्छी है और दूसरी टीम बिल्कुल खेलना नहीं आता है, उसके सामने कुछ है ही नहीं, अगर ऐसे दो टीमों में मैच होगा तो क्या होगा, किसी को देखने में कुछ रुचि नहीं आएगी। अगर दोनों टीम बराबर के हैं तो फिर क्या होता है, एक टीम जीतना चाहता है, दूसरी टीम विरोध करती है। तो जब विरोध होता है तभी थोड़ा रोमांच आता है, थोड़ा एक्साइटमेंट आता है, और विरोध नहीं है तो सब कुछ क्या पता है क्या होने वाला है। अगर कोई कादंबरी पढ़ रहे, कोई ग्रंथ पढ़ रहे, कोई मूवी देख रहे, अगर आपको पहले से पता है पूरा स्टोरी क्या है तो फिर ठीक है, लगेगा क्या पढ़ देख रहे हैं। तो क्या होता है, जब भगवान क्या करते हैं, उनके और उनके माता के संबंध में कुछ रोमांच लाना चाहते हैं, कुछ एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं। अभी माँ, उनकी माँ सीधा उनको माखन खिला सकती है, पर वो माखन नहीं खाते हैं, कृष्ण चुप के जाके कुछ चोरी करते हैं, कुछ नटखट करते हैं, और ऐसे नटखट करके क्या होते हैं, कुछ भागते हैं, कहीं पकड़ने का प्रयास करते हैं उनको माँ, कहीं बच जाते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके संबंध में अलग अलग प्रकार के रस आते हैं। तो भगवान चोरी करते हैं वो अनैतिक नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनकी ही संपत्ति है, पर वो चोरी इसलिए कर रहे हैं कि वो केवल संबंध में और रस आ जाए। और फिर माखन क्यों चोरी कर रहे हैं? चोरी करना है तो कुछ और चोरी कर सकते हैं। तो क्या छोटा बालक है, अभी छोटे बच्चे जो होते हैं वो उपनिषद कहते हैं वो अन्नमय कोश में होते हैं। अन्नमय कोश मतलब क्या, कि ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इज पोटेंशियल फूड, कि सारा जो सब चीजें जो है, छोटा बालक होता है, नवजात शिशु होता है, वो विश्व का अनुभव अपनी जिह्वा से करता है, जो भी मिलता है वो अपने मुंह में डालते हैं, अपनी उंगली मुंह में डालेगा, अपना पैर मुंह में डालेगा, कोई खिलौना मुंह में डालेगा, जो भी चीज मुंह में डाल के वो अनुभव करता है। तो क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए कुछ खाने में स्वादिष्ट मिल जाएगा तो बड़ा मूल्यवान होता है, छोटे बच्चे के लिए सोना चांदी वो क्या है कुछ। तो कृष्ण क्या चाहते हैं, किस तरह छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, और एक बालक के लिए क्या है, स्वादिष्ट अन्न बड़ा मधुर, बड़ा अच्छा लगता है उसको। और खास करके जो माखन है वह यशोदा माई और गोपियों की प्रेम का एक मूर्तिमान रूप है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, मंथन करके जो गायों का दूध था उससे माखन बनाया है। जब वो माखन होता है बड़ा कोमल होता है, तो उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय का मंथन होता है। जब हृदय का मंथन होता है तो फिर हृदय बड़ा कोमल हो जाता है, मधुर हो जाता है, और फिर भगवान आके वो हृदय को चुरा लेते हैं। जो माखन चोर है भगवान, वो वास्तव में एक तरह से हृदय चोर है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ इस लीला में, कि भगवान ने नटखट किया है और वो भाग रहे, तो जो भाग रहे तो यशोदा माई उनके पीछे भाग रही है, और कृष्ण भयभीत हो गए।
और भय के कारण भाग रहे हैं। पर क्या हो गया, आखिरी जो लाइन है पहले पंक्ति में, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, कि यशोदा उनसे और तेजी से तेज भागती है और उनको पकड़ लेती है। साधारणतया कोई भगवान को नहीं पकड़ सकता, भगवान सबको पकड़ते हैं। अगर कोई कोई ट्रैफिक में कोई रो व्यक्ति जो रफ्तार है उससे ज्यादा आता है, तेजी आता है, तो क्या होता है, तुरंत पुलिस की कार आ जाती है। और भी साधारण नागरिकों के लिए क्या है, पुलिस की कोई कोई नियम होते हैं, पर अगर कोई पुलिस की गाड़ी है और वो किसी गुनहगार को पकड़ रही है तो उनको कोई स्पीड लिमिट नहीं होता, वो कितने भी स्पीड जा सकती है। तो अभी वो पुलिस की कार देख के व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, पीछे मैंने क्या किया, क्यों आ रही मेरे पीछे। पर अगर मान लीजिए अभी अभी पुलिस भाग रहे और कोई उनके पीछे जा रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, पुलिस भाग रहे, किसने पुलिस को डरा दिया अभी। तो भगवान के भय में सब लोग रहते हैं। तो बाइबल में कहा गया कि फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, कि भगवान का भय जो है ये ज्ञान बुद्धि की शुरुआत है। जिस व्यक्ति में भगवान का भय नहीं है उस व्यक्ति का सबको भय होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान का भय नहीं है तो वो व्यक्ति को नैतिक अनैतिक की कोई परवाह नहीं है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है, उसे दूर रहना चाहिए। तो साधारणतः सबको भगवान का भय होता है, पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भगवान को भय हुआ है और भगवान भाग रहे हैं, और न केवल भाग रहे हैं, भगवान को पकड़ा गया है। तो ये कैसा पूरा जो साधारणतः संकल्पना है भगवान की, उसके पूरा विपरीत है ये, सर्वार्थान विपरीतांश, ये क्या हो रहा है। तो अभी अगले श्लोक में ये लीला का वर्णन होता है। तो इसमें 8 श्लोक है, इसमें 2 श्लोकों में लीला का वर्णन है और फिर आखिरी 6 श्लोकों में जो है लीला का विश्लेषण है, उसका विस्तार किया गया है, क्या उसका क्या महत्व है। तो दूसरा जो श्लोक है इसमें, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं रुजंतम, तो भगवान क्या कर रहे हैं अभी, रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, रुदंत मुहुर रो रहे हैं, मुहुर बार बार रो रहे हैं, दंतम, और न केवल रो रहे हैं, नेत्रम नेत्रम उनके आंखों से क्या हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, युग्मम रजंतम, जो आंखों आ रहे हैं आंसू आ रहे हैं तो क्या है, अपने हाथों से वो आंखों पोछ रहे हैं, कारम्बोज उनके जो हाथ है वो कमल के समान है, कारम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम, तो अभी नेत्र नेत्र आंखें क्या है, उनमें कैसे है, आतंक है। अभी आतंक ये शब्द आजकल की दुनिया में आता है आतंकवादियों के साथ, तो अभी कोई आतंकवादी यहाँ पे सब डर जाएंगे। आतंक मतलब ना कि भय नहीं, कि बहुत ही बड़ा भय, एक है इंग्लिश में फियर कहते हैं, दूसरा है टेरर। तो टेरर मतलब जो होता है बहुत ही बड़ा भय होता है। तो यहाँ पे ऐसे बताया कि ना पिछले शो में बताया कि भय है, तो कृष्ण जब भाग रहे थे तो भय था उनके, मेरी बाप मुझे पकड़ लेगी, पर अभी जब पकड़े गए हैं तो अभी भय बढ़ गया, क्या हो गया है, वो आतंक बन गया है, और सातंक नेत्र, वो कृष्ण नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, क्या है? क्या मेरी माँ सही में क्रोधित है, कितना क्रोध है, क्या करने वाले अभी। तो यशोदा जो होती है वो अभी इतनी क्रोधित क्यों है, क्योंकि एक तरह से उनको एक माँ का, यशोदा को माँ की चिंता है, कैसे कि वरी इज अ पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग अ मदर। जब कोई माँ बन जाता है तो क्या होता है, अपने बच्चे की चिंता करना यह एक स्वभाव ही होता है, स्वाभाविक है एक तरह से। तो यशोदा भी चिंता कर रही है, यशोदा क्या चिंता कर रही है कि ये मेरा छोटा बालक है, ये भी इतना नटखट बन रहा है, चोरी कर रहा है, अभी ये तो आसपास चोरी कर रहा है। हाँ, यशोदा को तब से चिंता है कि अगर ये इस तरह से चोरी करते रहेगा तो फिर अगर जब बड़ा हो जाएगा, इसका नाम ऐसे बन जाएगा चोरी करता है, तो फिर बदनाम हो जाएगा वो, और फिर बदनाम हो जाएगा
तो फिर कोई पिता अपनी बेटी मेरे कृष्ण को शादी के रूप में देगा नहीं। और फिर अभी कृष्ण छोटा बालक है पर यशोदा कृष्ण के विवाह की चिंता कर रही है और उसके कारण वो सोच रही है अभी कृष्ण का क्या होगा आगे। इसीलिए थोड़ा माखन चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बार बार वो चोरी करके नटखट करके वैसा अगर उसका नाम बदनाम हो जाएगा तो क्या होगा, वह चिंता है उसको। और कृष्ण को समझ में कृष्ण ईश्वर इतनी क्रोधित क्यों हुए है और क्या होगा मेरा, अभी वो भय हो रहा है। सातंक नेत्र और अभी क्या हुआ, दोनों दौड़ रहे थे मतलब कृष्ण भाग रहे थे यशोदा उनके पीछे भाग रहे थे। तो जब हम भागते हैं काफी तो क्या होता है, हमारा सांस तेज हो जाता है। तो अभी दोनों रुक गए हैं पर दोनों वो कृष्ण जो है अभी तक उनका सांस बहुत तेज है। तो मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, वो उनका सांस बहुत तेज से हो रहा है और उनका जो गला है अभी केवल छाती ऊपर नीचे हो रहा है, बाहर अंदर आ रहा है पर ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो उनके गले में तीन लकीर आ गई है। भी अलग अलग संस्कृतियों में सौंदर्य के अलग अलग संकल्पनाएं होती है। कुछ संस्कृति में होता है कि किसी का नाक बड़ा है तो सौंदर्य माना जाता है, किसी का नाक छोटा है तो सौंदर्य माना जाता है, कुछ आंखें बड़ी है तो सुंदर मानी जाती है, भी आंखें छोटी है तो सुंदर मानी जाती है। तो अलग अलग प्रकार सौंदर्य की संकल्पना होती है। तो प्राचीन भारत में अगर किसी के व्यक्ति के गले में तीन लकीरें आती है तो वो एक सौंदर्य का लक्षण मानते हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि कृष्ण भयभीत हो गए हैं पर भय की स्थिति में भी वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, यह बड़ा विलक्षण है। मान लीजिए किसी को खौफनाक सपना आ गया है और फिर वो उठ के दौड़ के अपने कमरे से बाहर आते हैं, किसी और के पास आते हैं, तो जब वो इस तरह से उनके तो उनके बाहर सारे बाल बिखरे होते हैं, सारे वस्त्र इधर उधर हो गए हैं, तो अभी साधारण तो कोई भय में होता है तो कोई सुंदर नहीं लगता है। कोई कभी कभी लोग कहते तुम तो कोई क्रोधित हो जाता है तो तुम क्रोध में बड़े सुंदर लगते हो, तो कभी कभी क्रोध भी सुंदर लग सकते हैं पर साधारण तो कोई नहीं कहता भय में तुम सुंदर लगते हो। पर भगवान इतने दिव्य है, इतना इतना विलक्षण है वो, कि जब वो भयभीत भी है तो क्या है, वो सुंदर लग रहे हैं। इसीलिए त्रिरेखांक कंठ, तो भगवान वो बड़े अलौकिक होते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें उनके सौंदर्य, उनकी मधुरता, उनकी दिव्यता हमेशा बरकरार रहती है। और वो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, वो जब इस तरह से यशोदा उनके पीछे दौड़ती है बाद में पकड़ लेती है, यशोदा उनको बांधने का प्रयास करती है पर क्या होता है, वो बांध नहीं पाती है, बहुत प्रयास करती है। और यह जो है इसका बांधने का प्रयास करना, यशस्वी न होना, बाद में यशस्वी होना, इसके हम चर्चा आगे के श्लोकों में करेंगे। पर यहाँ पे बताया गया है क्या होता है अंत में, स्थित ग्रैवं दामोदरं भक्ति बद्धम, तो जो है भगवान दामोदर, कृष्ण है उनका नाम, अभी दामोदर बन गया है। उदर मतलब जो पेट का भाग होता है उदर कहते हैं, दाम मतलब रस्सी, जो भगवान एक रस्सी से बांधे गए। पर ये कौन सी रस्सी है, एक साधारण रस्सी नहीं है, भगवान को बांधने के लिए कोई रस्सी पर्याप्त नहीं होती है, रस्सी है भक्ति बद्धम, केवल भक्ति से बांधे जाते हैं भगवान, किसी और चीज से वो बांधे नहीं जा सकते। तो जो भगवान है अनंत है, भगवान विश्वरूप का दर्शन देते हैं अर्जुन को भगवद्गीता में और अर्जुन तभी कहते हैं नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादे पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, कहते हैं प्रभु आपका शुरुआत कहाँ है, आपका अंत कहाँ है, आपका मध्य कहाँ है, जो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे भगवान जो अनंत है उनको भले कोई कैसे बांध सकता है, साधारणतः कोई बांध नहीं सकता है। पर यहाँ पे वो बांधे जाते हैं क्योंकि वे जो है प्रेम से बंधे गए हैं। तो ये प्रेम भगवान के भक्तों की शक्ति क्या होती है, जब हम भगवान के सामने उनके भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। साधारणतः दुनिया में क्या होता है कि हम खुद की शक्ति खाना चाहते हैं कि मैंने यह किया है, मैंने वो किया है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं उतना बड़ा हूँ, तो हम खुद को बड़ा चढ़ा के बताते हैं।
पर भगवान भी समझाते हैं। तो हम जितना खुद को नम्र बताते हैं, जितना खुद को अशक्त असहाय बताते हैं, उतना भगवान हमारी ओर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान उनकी शक्ति हमें प्रदान करते हैं और भगवान की शक्ति तो अनंत है। तो यशोदा बद्धी गई है किस तरह से, उनकी भक्ति के कारण यशोदा कृष्ण को बांध पाई। तो यह जो भगवान है, अभी साधारणतया ऐसे होता है भगवान अगर हम न्यायाधीश की तुलना करते हैं तो न्यायाधीश जो किसी के प्रति आरोप होता है तो फिर न्यायाधीश फैसला करते हैं, फिर व्यक्ति को बांधा जाता है। पर अगर आप कोई न्यायालय में आते हो, न्यायाधीश को ही बंधा हुआ दिखते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पर यहाँ पे ऐसे हुआ है कि भगवान बांधे गए हैं। और भगवान कैसे बांधे गए? प्रेम के कारण। तो ये पूरी जो लीला है यह एक तरह से विडंबना है, बड़ी अद्भुत है कि जो साधारणतया भगवान और भक्त का संबंध होता है उसका पूरा विपरीत हो गया यहाँ पे। और ये विपरीत जो है ये बड़ा अद्भुत है। और ये क्यों हुआ है कि ये स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण हुआ है। और यही जो मैंने बताया पहले दो श्लोक जो थे उसमें क्या है, वर्ण उस लीला का वर्णन है और बाकी श्लोकों में जो है लीला का विश्लेषण है। तो अभी हम और दो श्लोक देखेंगे और फिर हम चार श्लोक हम देख पाएंगे। इति दृक्स्व लीला भिरानंद कुंडे, तो इति दृक् इस तरह से देखो आप, स्वलीला भीर वह अपनी खुद की लीला कर रहे हैं अपने बड़े ही अंतरंग पार्षदों के साथ। और क्या हो रहा है ये लीला देख के, ऐसा जो जो समझते हैं वास्तव में क्या हो रहा है वो एक बड़ा ही अद्भुत आनंद अनुभव करता है। आनंद कुंडे, अभी कोई आनंद का कोई बड़ा सागर होता है तो किसी को भय होगा कि सागर में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, इसकी लहरें आएगी वो डूब जाएगी। पर मान लीजिए बड़ी गर्मी है और किसी के घर में छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो अभी जब उसमें अगर कोई कूदता है तो क्या होता है, राहत होती है, जो गर्मी से राहत मिलती है। जो छोटा सा है तो उसमें डूबने का ज्यादा कोई भय नहीं है। तो आनंद कुंडे कहते हैं कि यह एक ऐसा कुंड जिसमें कूद गए हैं और भक्त क्या करते हैं, एक अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से अलग अलग दुख होते हैं पर इन सबके परे एक दिव्य आनंद होता है, वो है भगवान की स्मृति का। सुखतरम अपरम न जातु जाने हरिचरण स्मरणामृते न तुल्यम, कि भगवान के स्मरण के समान कोई और आनंद इस भौतिक जगत में नहीं है। तो आनंद कुंडे वह आनंद का अनुभव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, न केवल आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कैन यू टॉक अ लिटिल सॉफ्टली, स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम्, स्वघोषं, तो इस तरह से वो घोषणा कर रहे हैं, आख्यापयन्तम् जोर से अपने पार्षदों के साथ जो उनके साथ लीला करते हैं उनके साथ वो घोषणा कर रहे हैं, निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् जो आनंद में आप्लावित हो गए वो घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं, तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं, कि जो व्यक्ति भगवान की महिमा को जोर देते हैं कि भगवान इतने महान हैं, उनको बता दे कि हाँ अब भगवान की महिमा को जान सकते हैं पर भगवान को अपना बनाना है तो फिर उसके लिए आपको भगवान की महिमा पर जाके भगवान की मधुरता को समझना है। कि जो भक्ति होती है डिवोशन, उसके दो विभाग होते हैं कि एक है जब भगवान की महिमा समझते हैं तो फिर क्या होती है, नम्रता आती है, नोइंग गॉड्स ग्रेटनेस ब्रिंग सबमिशन एंड नोइंग गॉड्स स्वीटनेस ब्रिंग्स अफेक्शन, कि भगवान की महिमा को जानते हैं तो उससे हमको नम्रता आती है और भगवान की मधुरता को जानते हैं तो उससे स्नेह आता है। और जो नम्रता और स्नेह ये दोनों जब साथ में आते हैं तो भक्ति होती है। भक्ति में केवल स्नेह नहीं है, केवल नम्रता नहीं है, दोनों का एक संगम है भक्ति। तो अभी ऐसे है कि भगवान की नम्रता को भगवान की महिमा को समझना जरूरी है।
मैं पुणे में एक प्रवचन दे रहा था, वहां पे बताया था कि कैसे ब्रजवासी वो जो है यशोदा माई, नंदा महाराज, ये सब कृष्ण को भगवान ही मानते। तो वहां पे एक व्यक्ति हाथ उठाया और कहने लगा कि मैं भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। तो अभी एक है इग्नोरेंस और दूसरा है ट्रांसेंडेंस। एक है अज्ञान के कारण कुछ संकल्प ना होगा और दूसरा है कि प्रेम के कारण कुछ संकल्प ना होगा। तो अभी क्या है कि जो अज्ञान में है वो शायद सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान कौन है, ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये सब अज्ञान के लक्षण है। पर कैसे है कि जो व्यक्ति दिव्य प्रेम से उनका हृदय आप्लावित होता है तो उनकी दृष्टि अलग होती है। तो भगवान की महिमा का जो ज्ञान है, आचार्य गण बताते हैं कि वो ऐसे है कि वो एक आस बादल में तारों के समान है। अभी बादल में तारे जो होते हैं दिन में भी होते हैं, पर जो तारे जो होते हैं वो दिन में दिखते नहीं है, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी होती है कि तारे दिखते नहीं है। तो अभी कोई अंधेरे में है, रात को कुछ भी नहीं है और रोशनी के स्रोत नहीं है, तो फिर तारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो ध्रुव तारा होता है, जो तारा होता है तो उसकी ओर देख के मान ले सागर में जो जहाज होते हैं, नाव होते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। कंपस के संशोधन के पहले वैसे करते थे वो लोग। तो अभी क्या है, भगवान का जो, भगवान की महिमा का जो ज्ञान है वो तारों के समान है। और जब हम अज्ञान के अंधकार में हैं तो भगवान की महिमा को समझना बहुत जरूरी है। भगवान की महिमा को समझना, भगवद्गीता के श्लोक समझना, भगवद्गीता का तत्व ज्ञान समझना, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारे जो मान लीजिए अंधेरा है और बादल में तारे भी नहीं है, व्यक्ति पूरा गुमराह हो जाएगा। तो जब इस तरह से अज्ञान में लोग होते हैं तो भगवान की महिमा को समझना बहुत जरूरी है। भगवान की महिमा जो है वो तारों के समान है और तो तारों के द्वारा हमको हमारा रास्ता पता चलता है। पर तारों के मार्गदर्शन का व्यक्ति अंधेरे में चलता है और फिर बाद में सुबह वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, और गंतव्य पहुंच जाता है फिर वहां पे दिन उग जाता है और वहां पे सूर्य आ जाता है। अभी सूर्य जब उग गया है तो फिर आसमान में अभी भी तारे हैं पर तारे दिखते नहीं है। तो उस तरह से क्या है, जो व्यक्ति अज्ञान में है बिल्कुल और अंधेरे में है, वो ऐसे है ऐसे ऐसे बादल में है जहां पे तारे है ही नहीं, बिल्कुल मोह में है। पर जो भक्त भगवान को, भगवान के तत्व ज्ञान को समझते हैं तो उनके आसमान में तारे आ गए और वो तत्वज्ञान के मार्गदर्शन से व्यक्ति अपना जीवन जीता है और फिर धीरे 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 वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और गंतव्य क्या है, भगवत प्रेम। और जब भगवत प्रेम आ जाता है तो फिर क्या होता है, यह जो तारे है अभी उनकी जरूरत नहीं है। भगवत प्रेम में आ जाता है तो फिर भक्त को, जो जो महान भक्त होते जो ब्रजवासी है, वो कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करते कि कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण इतने आकर्षक है, कृष्ण इतने प्रेम पूर्ण है। वो कृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण कृष्ण है, न कि कृष्ण भगवान है। तभी उनको ज्ञान है कि भगवान कृष्ण भगवान है, पर वो ज्ञान है वह उनकी चेतना के पीछे के हिस्से में चला गया है। उनको वो ज्ञात नहीं रहता है, ज्ञान है पर वो ज्ञात नहीं रहता है। कैसे, उनके लिए वो जो ज्ञान है वो दिन में तारों के समान है पर दिखता नहीं है। तो अभी कैसे है, यशोदा माई अगर हमेशा याद रखेगी कि कृष्ण भगवान है तो फिर वो कृष्ण भगवान है तो वो तो मेरा अन्न वो योजना कर रहे, तो मैं उनके अन्न की योजना क्यों करूँ। सेवा भाव नहीं रहेगा। तो सेवा भाव के लिए क्या होता है, वह एक तरह से भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। और यहाँ बताया जा रहा है तदीयेषु तदीयेषु भक्तैश्चित्तत्वम्, कि भगवान जीते जाते हैं वो केवल भक्ति से जाते हैं, जीते जाते हैं, किसी और चीज से नहीं जीते जा सकते। और तथा प्रेम भक्तिम सॉरी तदीयेषु तदीयेषु भक्तैश्चित्तत्वम्
Puna prema tastam shatavruti vande. Puna prema tastam shatavruti vande. कि मैं पुनः प्रेम के साथ ऐसे भगवान को शतावृति एक नहीं दो नहीं सैकड़ों बार मैं प्रणाम करता हूँ, सैकड़ों बार मैं उनको दंडवत देता हूँ। कि एक तरह से कोई बड़ा महान व्यक्ति है, उसकी महिमा को देख के हमको आकर्षण होता है, पर जब हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना मधुर है तो आकर्षण और बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर को मान लीजिए कोई मिलिट्री जनरल है, कोई राष्ट्र के सेनापति है और बड़े युद्ध में निर्भय होकर युद्ध करते हैं और बड़े बड़े शत्रुओं को हरा दिया है, तो उनको जानते हैं हम बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा आनंद होगा, बड़ा एक तरह से उनकी उनकी कोई जानकारी हो सके, उनसे मुलाकात हो सके, तो इतने बड़े व्यक्ति हैं तो हमें उनके प्रति आदर होगा। पर मान लीजिए हम उनके घर में जाते हैं और घर में देखते हैं कि उनका एक पोता है और पोता उनको घोड़ा बनाया है और वो घोड़े के रूप में दौड़ रहे, तो ये इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्या होता है, अरे ऐसे भी करते हैं, तो उससे एक बड़ा अलग प्रकार का स्नेह जागृत होता है। जो सेनापति ने बड़े बड़े सेना को हरा दिया है, वो सेनापति को क्या हो गया, अपने पोते ने हरा दिया, पोते ने उनको घोड़ा बना दिया और दौड़ो दौड़ो और तेजी से दौड़ो, दौड़ते नहीं हो तुम, दौड़ो और तेजी से, तो फिर वो पीट रहा है और दौड़ने का प्रयास कर रहे हो तेजी से। तो यह देख के क्या होता है, उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो उसकी सराहना है और बढ़ जाती है। इस तरह से सत्यवत्नी कह रहे हैं कि भगवान इतने अद्भुत है कि ये अपने भक्तों के प्रेम से बंधे जाते हैं और ऐसे भगवान को मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक जो है, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। हे भगवान, आप अलग अलग प्रकार के वर दे सकते हैं, वरम देव, आप आपको आपकी महिमा ही आपकी ख्याति है ऐसी कि आप वर प्रदान करते हैं और आप अलग अलग प्रकार के वर दे सकते हो, पर मुझे कोई वर नहीं चाहिए। कहते हैं कि अलग कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे इस भौतिक जगत में आप धन संपत्ति दे दो। जब ये भाव होता है तो क्या होता है कि हम भगवान के साथ एक धंधा कर रहे हैं, मैं आपको ये देता हूँ आप मुझे ये दो। और जब क्या धंधा कोई करता है तो व्यापार करता है तो व्यापार में लोग क्या जाते हैं, कभी कभी बेईमानी भी कर लेते हैं, सोचते हैं कि मैं कम से कम दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूँगा। तो एक बार एक व्यक्ति ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी का टिकट था 1 करोड़ रुपये के लिए। और फिर वो मंदिर में गया, मंदिर भगवान से बोला कि हे भगवान, अगर मुझे लॉटरी का टिकट मिल जाएगा ये, तो मैं 50% आपको दे दूंगा, 1 करोड़ मुझे मिल जाएगा, मैं आपको 50 लाख दे दूंगा। तो फिर 1 हफ्ते के बाद उस लॉटरी का रिजल्ट था, तो फिर वो 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ, वो जब टिकट रिजल्ट निकला तो उन्होंने क्या पता चला उनको कि उनको 50 लाख का टिकट मिला था, तो कितना था, 50 लाख का मिला था। अरे फिर 50 लाख का टिकट वो मंदिर के मंदिर में गए, अरे भगवान आप तो बड़े बुद्धिमान निकले, आपने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया। तो क्या होता है कि जब हम भगवान से एक व्यापार के रूप में रक्षा रूप में एक रिश्ता रखते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे कई बार बेईमानी हो जाती है। तो ये इस प्रकार का रिश्ता में क्या है, मैं आपको कुछ दूंगा पर आप मुझे उससे ज़्यादा देना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं, आप मुझे, मैं आपको थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ आप मुझे बड़ा वर दे दो। तो ऐसा कोई मुझे भौतिक वर नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, क्या चाहिए। क्योंकि अभी कुछ लोग थोड़े आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान होते हैं, समझ जाते हैं कि ये सारी भौतिक चीज़ें जो है ये हमको बंधन में फंसाती हैं, आसक्ति लगाती है हमारे जीवन में और आसक्ति के कारण दुख आता है। हम जितना भी किसी चीज़ से आसक्त होते हैं वो चीज़ अगर चली जाती है और चले जाने का भय भी होता है तो दुख आता है। तो इसीलिए कोई सोचेगा कि मुझे चीज़ें नहीं चाहिए, तो कोई जो थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते सोचते हैं कि मुझे सारे आसक्तियों से मुक्ति चाहिए, मुझे इस भावबंधन से मुक्ति चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे वो भी नहीं चाहिए,
वरम देव मोक्षम न मोक्षावध, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्षावधिम वा, मोक्ष से बड़ा क्या है? मोक्ष ये भौतिक जगत है, ये मोक्ष का फल है, और उसके परे आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में क्या है? भगवान वैकुंठ में विष्णु रूप में रहते हैं। वो कहते हैं मोक्षावधिम वा, कि मोक्ष के, मोक्ष से बड़ा है वैकुंठ की प्राप्ति, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए। मोक्षावधिम वा न चान्यम ऋणे हम वरेषादपि ह, और इसके अलावा भी आप कुछ वर देना चाहोगे, मुझे वो भी वर नहीं चाहिए। न चान्यम ऋणे, फिर क्या चाहिए आपको? तो अभी कोई भी वर नहीं चाहिए तो कुछ चाहिए क्या? कुछ तो चाहिए आपको। क्या है कि हम ऐसा भाव होता है कि हम केवल ना नहीं बोल सकते। हम अगर किसी चीज के ना बोलते हैं तो वो एक तरह से संभव नहीं। मानसिक स्तर पे अगर अभी शारीरिक स्तर पे होता है, अगर मैं इसको स्पर्श करता हूँ, इसको स्पर्श करता हूँ तो मान लीजिए इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, शॉक लगता है, तो फिर मैं फैसला करूंगा कि ये पूरे अभी प्रवचन में मैं हाथ हिला सकता हूँ पर इसको स्पर्श नहीं करूंगा। तो कोई कोई भौतिक वस्तु है उसको हम फैसला कर सकते, मैं स्पर्श नहीं करूंगा इसको, पर मन के स्तर पे मैं ऐसे नहीं कर सकते। अगर मन के स्तर पे हम बोलते कि मैं इस चीज के बारे में विचार नहीं करूंगा, तो क्या है? अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं अगले 30 सेकंड के लिए आप एक गुलाबी बंदर के बारे में विचार मत कीजिए, एक गुलाबी बंदर छोड़ के आप किसी भी चीज के बारे में विचार कर सकते, सिर्फ गुलाबी बंदर के बारे में विचार मत कीजिए, तो क्या होता है? उसी के बारे में विचार। हाँ, जिंदगी में आपने कभी गुलाबी बंदर के बारे में सोचा नहीं होगा। गुलाबी बंदर, गुलाबी कैसे बना? वो क्या गुलाबी पेंट में गिर गया था वो, या क्या हो गया? किसी जींस चेंज कर दिया किसी ने, उसके गुलाबी बन गया वो, क्या हम सोचते रहे गुलाबी का। तो क्या है, किसी भी चीज को हम ना बोलते ये मत करो तो वो करना मुश्किल होता है। तो क्या है कि विचार जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। To think that I will not think of something is also to think of that thing. मैं इस चीज का विचार नहीं करूंगा, वो विचार भी अगर मैं करता हूं तो क्या होता है, मेरी विचार शक्ति उस चीज को जाकर स्पर्श कर रही है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमें ना बोलना किसी चीज को वो आनंददायक नहीं है और वो आसान भी नहीं है। तो इसीलिए ना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? हाँ बोलना। अगर मान लीजिए अगर आप एक कमरे में हैं और वो एक कमरे में एक ही व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, और उस व्यक्ति से आप रूठे हुए नाराज है, और आपने फैसला किया कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, और मान लीजिए आप दोनों को उसी कमरे में एक घंटे के लिए बैठना है, फिर आप करोगे क्या? आपके पास फोन भी नहीं है, फोन होगा तो फोन पे आप कुछ कर सकते हैं क्या? आप बादल की ओर देखेंगे, कोई और है ही नहीं तो उसके साथ बात करना पड़ेगा। पर मान लीजिए अगर उसी कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति है और उस व्यक्ति में आपको रुचि है, उसका संबंध आपका अच्छा है, तो उस व्यक्ति से आप बात करने में लग जाओगे, और फिर क्या है, इस व्यक्ति को ध्यान न देना आसान हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है कि हमारे जीवन में शायद हमारी कुछ बुरी आदतें हो सकती है, कुछ बुरी वासनाएं हो सकती है, उनको ना बोलना है, ना बोलना बड़ा मुश्किल है। तो वैसे क्या है, अगर वो है और हम है, मैं ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो क्या होगा हमारा धीरे धीरे क्या होगा, मैं ये नहीं करूंगा तो नहीं मिट जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, और मैं कर देगा, हम कर देंगे। तो इसलिए क्या है, हमें क्या नहीं करना है उसके बारे में इतना विचार नहीं करना जितना हमें क्या करना है। और क्या करना है, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो वो करने में लग जाओगे, और फिर जो नहीं करना है वो अपने आप छूट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए वो बता रहे। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, कि ये जो भगवान का रूप है, कैसा रूप है, एक गोपाल के जो रूप, गोपाल के भाव में जो रूप है, एक ग्वाल है। तो वो क्या चाहते, सदा मे मनस्याधिराष्टम की मन्ये, सदा मे मनस्याधिराष्टम की मन्ये, होते हैं कि इसके अलावा, क्योंकि ये रूप
सदैव मेरे मन में आते रहे, सदैव मैं उसकी स्मृति होते रहे, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। तो दुनिया में शुरुआत में बताया था कि हमारे अनेक इच्छाएं होती है, जरूरतें होती है, पर हमारे सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो है वो एक शारीरिक स्तर पे, हमें अन्न चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें जल चाहिए, हमें हवा चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो है इनके सबके अलावा जो है कि हम सबको, वी ऑल नीड अ सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट, हमें विचार करने के लिए कोई संतुष्टि देने वाला विचार करने की वस्तु चाहिए। क्योंकि दुनिया में अनेक चीजें हैं और ऐसी बहुत सी चीजों का हम विचार करते हैं और विचार करके हम उसे परेशान हो जाते हैं। से जो पाश्चात्य देश में जो लोग साधारणतः जो अच्छे अच्छे